The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एक बार फिर आपके पेट के बारे में। पेट में हो रहा है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, मतलब आपके आंतों में आतंक। ये हाँ, आंतों में आतंक का मतलब है आंतों के अंदर, आपके पेट के आंतों के अंदर हो रहे छाले, अल्सर और ऐसी ही कोई बीमारियां। तो क्यों होता है ये, आज उससे वो सवाल के पीछे घूमेंगे। पहले आपको बता दें कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ जो है, सबसे पहले क्षमा करूंगा अगर कोई कहेगा कि डॉक्टर साहब इस तरह के बातचीत इस तरह क्यों बोल रहे हो, भाई थोड़ी बहुत कॉमेडी करनी चाहिए और हम भी बोर हो जाते हैं भाई साहब, देखो दिन भर काम कर करके। तो बेयर विथ मी इफ़ यू डोंट लाइक इट एंड यू कैन बेयर विथ, की करिए कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, सो पहला चीज़ आपको समझनी है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS एंड IBD, देयर आर टू डिफरेंट थिंग। IBS इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, दैट मींस एन हाइपर सेंसिटिविटी। आपके बाउल इंटेस्टाइन में कोई अल्सर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आतंक नहीं है, केवल वो छुई मुई है। छुई मुई इन द सेंस दे आर हाइपर सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव टू फूड, टू योर इमोशंस, टू वट एवर यू वॉन्ट, राइट, हाइपर सेंसिटिव। IBS, IBD मतलब आतंक है, वहां पर बम गोले फूट रहे हैं, वट एवर यू कॉल इट, राइट। बेसिकली वहाँ छाले हो रहे हैं, वहाँ गड्ढे हो रहे हैं, वहाँ दिक्कतें हो रही हैं। यही आपकी छोटी आंत में हो तो छोटी आंत के एंड में होता है, उसको बोलते हैं क्रॉन्स डिजीज। और यही आपकी बड़ी आंत में हो तो उसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस मतलब कोलोन, मतलब उसके अंदर अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस। लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम को इन्वॉल्व करें तो ज़्यादातर होता है कोलाइटिस में। क्रॉन्स डिजीज में ज़्यादातर आपके लोअर पार्ट ऑफ इलियम एक्ट इन्वॉल्व होता है। दोनों ही के दोनों जो है उसके वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया यानी कि लूज मोशन, ऑब्वियसली कहीं छाला होगा तो वहाँ से पानी पानी निकलता रहता है, रिसता रहता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ता है, वहाँ सूजन होती है, वहाँ पेट दर्द होता है, वहाँ का सूजन पे आपका मोशन बॉवल मूवमेंट होता ही है। आपको पता है आपके बवन ऐसे 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 पेरिस्टाल्टिक मोशंस करते रहते हैं। बॉवल मतलब आंत, मतलब इंटेस्टाइन, मतलब अथड़ियाँ। और उसी के साथ आपको एब्जॉर्प्शंस कम हो जाएंगे, फटीग होगा, इसीलिए आपका वजन भी कम होगा, वेट लॉस होगा और यहाँ तक के आपके उन छालों में से खून निकल सकता है, तो आपके लैटिन में खून आ सकता है। अगर खून आता है तो फिर ये इंपॉर्टेंट साइन है। अगर खून, याद रखिए IBS नाम का सेंसिटिव इंटेस्टाइन में से खून नहीं आने वाला है, तो खून आ रहा है तो IBS नहीं हो सकता, वो अल्सरेटिव प्रॉब्लम है। और याद रखिए ये जो बीमारी है IBS सेंसिटिविटी वाली, वो जानलेवा नहीं होती, लेकिन IBD भाई साहब बहुत डेबिलिटेटिंग होती है, सेंसिटिव होती है, मतलब डेबिलिटेटिंग होती है और जानलेवा हो सकती है। सो अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो याद रखिएगा, डायरिया, पेट में दर्द, क्रैम्प्स, ब्लड इन स्टूल, रिड्यूस एपेटाइट, अनइंटेंडेड वेट लॉस, फीवर एंड फटीग, ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। जी हाँ, ये थोड़े बहुत वायरल फ्लू, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस या कोरोना से भी मिलते जुलते हैं, लेकिन क्या कर, मिलते जुलते हैं तो है। अब सबसे बड़ा सवाल कि ये होता है क्यों, क्यों होता है ये, किसकी साजिश है ये। सो द एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी साइंटिस्ट को पता, ना किसी को पता, एक्सेप्ट फेक लोगों को बहुत कुछ पता होता है, वो आपके डाइट के पीछे डाल देंगे, ये खाया इसलिए हुआ, पाप किया, रात को सोया नहीं, सुबह जागा नहीं, तुमने ये किया, तुमने गाली दी, इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ। वेल एनीवेज, व्हाटएवर दे वांट टू से, नथिंग इज प्रूवन एज ऑफ नाउ, मतलब इसका कोई कारण नहीं पता है। द टू मोस्ट सस्पेक्टेड चीजें आर डाइट एंड स्ट्रेस, डाइट एंड स्ट्रेस, एंड वन मोर थिंग विच इज देयर इज योर गट हेल्थ, इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए जो आपको जरूरी है, जो आपका हाई फाइबर डाइट जरूरी है, जो आपका पानी जरूरी है, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिंस जरूरी है, वो चीज़ें, या फिर आप मान लीजिए उल्टे सीधे प्रोसेस्ड फूड ना खाएं वो जरूरी है, ओवर ईटिंग ना करें वो जरूरी है। तो अगर आप गलत सलत खाते हैं, दारू पीते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, या आप बहुत ज़्यादा तला चिकनाई वाला खाते हैं आप, तो फिर डाइजेशन प्रॉब्लम आपको होती हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है और उसके वजह से आपको वहाँ छाले,
हो सकते हैं और इसीलिए ये बीमारी हो सकती है. तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, अल्टीमेटली आपने कुछ ना कुछ गलती करी है और थोड़े बहुत जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं. अगर आपके पुष्टैनी बीमारी है कि भाई सबको होती है तो सबको होगी बिल्कुल, जैसे आपके गंजे होते हैं सबके सब, सबके ये होते हैं तो वैसे होते हैं, जय हो, उसमें कुछ नहीं कर सकते. वन ऑफ द लिटिल बिट ऑफ फैक्टर इज देयर जेनेटिक फैक्टर्स, याद रखिएगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर डाइट एंड योर लाइफस्टाइल एंड द स्ट्रेस. अगर आपको नहीं पता कि चिंता चिता बराबर होती है, ऐसे नहीं बोला जाता है. जब आप चिंता करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो आपके अंदर जो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन है, जिनको नहीं पता, कॉर्टिसोल आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड से बनता है, जो के बनाता है आपके अंदर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए मदद करता है एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन वाला जो एपिनेफ्रिन वाला, उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है कि ये जो हार्मोन है, ये आपके बॉडीज के जो सिस्टम्स हैं उसको लिटरली, जैसे आप ओवरड्राइव में चलाते, ओवरड्राइव चलो 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 ऐसे कर देता है, चलो चलो चलो, परफॉर्मेंस के लिए तो अच्छा है, परफॉर्मेंस इन द सेंस उस समय आप परफॉर्म करेंगे, उस समय आप सोएंगे नहीं, एग्जाम अच्छा हो जाएगा, टेंशन से कुछ फायदा जरूर हो जाता है, लेकिन उस समय आपकी बॉडी जो है ओवर एग्जॉस्ट हो जाएगी, ओवर एग्जॉस्ट हो से इंजरी भी हो सकती है, अंदर ही अंदर डैमेज हो सकती है, और बार 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 स्ट्रेस होने से आपके पेट में छाले हो सकते हैं, आपको गैस हो सकता है, मुंह में छाले हो सकते हैं, और ये छालों की हीलिंग के लिए, ये अल्सर्स की हीलिंग के लिए बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस बहुत जरूरी. तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिंस के सोर्स याद रखिएगा, एनिमल सोर्सेज हैं, दूध, घी, दूध, दही, बटर, बटर नहीं, दूध, दही, पनीर, मक्खन, मक्खन नहीं, दूध, दही और पनीर, ठीक है, और नॉनवेज नहीं खाते हो तो दूध दही खाओ, दूध दही नहीं खाते हो तो फिर भाई साहब बी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको लेना पड़ेगा सोया, और बाकी सारे फूड जो है उसमें कम होता है लेकिन बहुत कम होता है. सो याद रखिएगा, बाकी सारे फूड जो वेजिटेरियन में नहीं होता, सोया में होता है. सो ये है. उसके अलावा एक और कारण इसका देखा गया है, जो सोचा गया है, जिसके बारे में बताया गया है, जो है इम्यून सिस्टम मैल फंक्शन. ये क्या चीज है? मान लीजिए आपके अंदर कोई वायरस चला गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं कौन सा, आप समझ सकते हैं कौन सा. मान लीजिए कोई भी और भी वायरस हो, वो भी हो या ये भी हो या कोई भी हो, और उसके अलावा आप मान लीजिए वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, आपका इम्यून सिस्टम जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो जाता है. जैसे कि एक पुलिस वाले को एक चोर मिल गया और आज तक मिला, 10 साल की सर्विस में कभी कोई चोर पकड़ा नहीं गया और आज हाथ आया एक चोर, तो वो क्या करेगा? वो चोर के ऐसी लेगा, दे डंडे, कि बेटा आज तो तुम गए, क्योंकि तुम पहले बंदे हो मेरे हत्थे चढ़े हो. वैसे ही पहली बार, या मान लीजिए आपके अंदर ऐसे कोई वायरस गया, आपका इम्यून सिस्टम बहुत एक्साइटेड हो गया है और वो वायरस को दे दनादन मारने के लिए साइटोकाइंस और एंजाइम्स और बहुत सारे इंटरल्यूकिंस और ऐसे इन्फ्लामेटरी हार्मोन आपके एंजाइम्स पैदा करे जा रहा है. आपके इस पैदा करने वाले, इसको कोई कंट्रोल नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, तो आउट ऑफ कंट्रोल होके कभी कभी वो आपके खुद के सिस्टम को, आपके इंटेस्टाइंस को डैमेज कर सकता है, वहाँ छाले कर सकता है, वहाँ इन्फ्लामेशन कर सकता है. यही काम फिर ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज बन जाता है. ऑटो इम्यून डिजीज का एक और सिस्टम ऐसा होता है कि वो याद कर लेता है कि ओके, ये था वायरस, उसके अंदर इस प्रकार के टेंटिनास थे, एंटिनास थे, उसके कान थे, नाक थे, उसके अंदर इस प्रकार का प्रोटीन था, टेक्निकली प्रोटीन होता है, और अभी हमारे तुम्हारे कहने के लिए नाक, कान, मुंह, कुछ भी कह लीजिए, ऐसे उसके हाथ थे, तो ऐसा हाथ उसको जहां भी दिखता है वो सीधा उसको मार देता है, गोली मार देता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो आपके इंटेस्टाइन का सेल है जो उसके जैसा दिख रहा है, वो सीधा उसको गोली मार देता है आपके इंटेस्टाइन, और इसीलिए आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर कई बार ये क्रॉस रिएक्शन हो जाता है, जो सिमिलर दिखने वाले सेल्स हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, आपके इम्यून सिस्टम जो है पगला जाते हैं और वहां डैमेज करके अल्सर्स कर देते हैं. इसीलिए ये जो बीमारी है, इस इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज भी बोला जाता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज जैसा भी बिहेव करती है और ये कई बार लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है, क्योंकि ये सेंसिटिविटी, भाई एक बंदे को बोल दिया कि इसको मारना है और उसने वो हाथ देख लिया, अरे ये फिर मिला फाड़, उसको कभी भी मार देगा, आपके आज मार रहा है, 2 साल बाद भी मार देगा, 10 साल बाद भी मार देगा, चाहे आप बड़ी मुश्किल अपना घर बनाओ, घर में उसने देखा, अरे आपने एक फ्लावर बनाया, फ्लावर फोड़ डाला, समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर यू कॉल इट, वॉट एवर यू अंडरस्टैंड, राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. सो ये होते हैं उसके कॉजेज.
लाइक आई सेड, थोड़ा सा हेरिडेटरी पार्ट है, थोड़ा सा आपका डाइट है, बल्कि डाइट ज़्यादा है, और आपका लाइफस्टाइल है, आपका स्ट्रेस है, और आपका इम्यून सिस्टम है. तो दिस इज द रीज़न वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम द दिस काइंड ऑफ एन अल्सर. और इसके रिस्क फैक्टर्स याद रखिएगा, भूलिएगा मत, आप जो स्मोकिंग करते हैं, आप जो खतरनाक तरीके से एंटीबायोटिक्स उठा उठा खाते हैं मेडिकल स्टोर से, जो आप दर्द की दवा खाते हैं, दर्द की दवा जो आप मान लीजिए आपकी उम्र बढ़ रही है, जो आप उल्टे सीधे नुस्खे करते रहते हैं, वो भी ये सब प्रॉब्लम करता है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करने में प्रॉब्लम है. तो ये सारी चीज़ें हैं याद रखिएगा. इस तरह की बीमारियाँ आगे चल के कैंसर बन सकती हैं. अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज कैन कॉज कैंसर. कई बार इसकी दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, खून की कमी हो सकती है, फिस्चुलाज बन सकते हैं, फिशर बन सकते हैं, फलाना ढमकाना कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती, और यह बीमारी तो पक्का अच्छी नहीं है. तो अपने इंटेस्टाइन का ख्याल रखिए, डिहाइड्रेशन से बचिए, पानी खूब पीजिए, फाइबर खूब खाइए, हेल्दी फूड खाइए. हम हेल्दी फूड हमने बहुत बार बताया हुआ है अपने चैनल पे, तो वो जाके देखिए और इन्जॉय करिए. थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर दिस वीडियो. आई एम डॉक्टर परमजीत एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.